Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Imran Spiritual Academy. This is English lecturer Imran Abbasi. Students, kal yani ke September 1 Baluchistan Public Service Commission ka English lecturer paper hua tha aur aaj hum uske part 1 ke jo MCQs ke andar 10 questions the usko hum solve karenge aur hum ye bhi dekhenge ke jo Baluchistan ka jo Public Service Commission ka English lecturer test pattern hai wo kis tarike se different hai. Obviously, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का दिस क्वालिटी सेपरेट्स इट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पंजाब सिंध और केपी के सर्विस कमीशंस. तो ये बहुत एक अच्छा मेथड है बलूचिस्तान का कि स्टूडेंट्स को जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको फिल्टर करते हैं. तो इसके साथ साथ ये कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी पूछते हैं. हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में भी बात करेंगे. ट्रू एंड फॉल्स उसमें आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स, अमेजिंग बात ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स भी उसके अंदर पूछी जाती है. यानी कि स्टूडेंट कोई भी तुक्का नहीं लगा सकता, कोई भी डिडक्शन नहीं कर सकता, कोई भी अपनी तरफ से या कोई भी मतलब रैंडमली ब्लाइंडली कोई ऑप्शन उसको नहीं दिया जाता ताकि वो सिलेक्ट करे. दिस इज वेल कैलकुलेटेड पेपर एंड आई रिकमेंड to all the testing commissions that they must adopt this pattern of test so that the most deserving students may be filtered and brought to the seats to serve the nation. So today we are going to start with the Baluchistan Public Service Commission ka jo paper hai 1/9/2024 ko conduct kiya gaya tha. Isme pehla question dekhe, slogan back to nature. Theek hai, slogan back to nature ये आइडियलिज्म की कैटेगरी में आता है कि ये स्लोगन किसने दिया था बैक टू नेचर, यानी कि नेचर के पीछे वापस चला जाए. नेचर को हमने नेचर के साथ हमारी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. वी शुड प्रोटेक्ट द नेचर एंड फॉल इन लव विद द नेचर. जस्ट सारी फिलोसफी का मतलब ये था कि हम नेचर को सेव करें और आर्टिफिशियल और इंडस्ट्रियल चीज़ों की जो नेचर को सबोटाज कर रही हैं उससे हम अपना हाथ छुड़वाएं. तो बेसिकली ये स्लोगन दिया था जीन्स जॉन्स रोसो ने. ठीक है, जीन्स जॉन्स रोसो वॉज द पर्सन हु चॉन्टेड द स्लोगन बैक टू नेचर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लें कि वर्ड्सवर्थ लॉन्ग पोइम. ठीक है, वर्ड्सवर्थ लॉन्ग पोइम द प्रीलूड है. वैसे तो उन्होंने बहुत सारे पोइम्स लिखे हैं ना, बहुत सारे पोइम्स लिखे हुए हैं और उन्होंने लिरिकल बैलेट्स में भी इसमें कोलाबरेशन की हुई है एस टी कॉलेज के साथ. अच्छा, इसके साथ एक और जो ओवरलैपिंग क्वेश्चन हो सकता है या एसोसिएशन क्वेश्चन हो सकता है कि वर्ड्सवर्थ का जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है वो बेसिकली प्रीलूड है और सबसे लॉन्गेस्ट पोएम ये है. ठीक है, फेमस एलिजी रिटन बाय शेले एडनोइस है. एडनोइस, इन्होंने एलिजी लिखी थी, यानी हर राइटर अपने दोस्त अपने रिश्तेदार और किसी चाहने वाले की डेथ पे एलिजी लिखता है, मर्सिया लिखता है और उस पर अपने गम का इजहार करता है उस पोएम के अंदर, उसे हम एलिजी कहते हैं. ठीक है, एलिजी कहते हैं. और जो शैले ने एलिजी लिखी थी, एडोनिस लिखी थी, अभी यहां पर सवाल एक और पैदा ये होता है कि एडोनिस शैले ने किसके ऊपर लिखी थी, इसको शैली भी पढ़ते हैं. शैली करेक्ट है, शैली ने एडोनिस किसके ऊपर लिखी थी, तो ये अपने दोस्त कीट्स के ऊपर लिखी थी इसने, जॉन कीट्स की प्रीमैच्योर डेथ के ऊपर इन्होंने ये लिखी थी. गलीवर्स ट्रेवल्स, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, यानी कि जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में है अपने बीएस इंग्लिश के उसको भी पता होता है कि जो गलीवर्स ट्रेवल है वो एक सेट्रिकल नॉवल है, सेट्रिकल वर्क है, उसमें ये सटायर यूज हुआ है. ठीक है, इसका करेक्ट सटायर है. ट्रेजिक पिक्चर ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन जो ट्रेजिक पिक्चर है, यानी कि एक गमगीन एक दिलसोज जो पिक्चर दी गई थी डिकिन्स के बारे में, इधर डिकिन्स भी क्वेश्चन में लिखा हुआ था. तो ये नॉवल जो था वो कौन सा नॉवल था, वो ऑब्वियसली अ टेल ऑफ टू सिटीज था. डिकिन्स ने लिखी थी पेरिस और लंदन के ऊपर, वो जो है आपको ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट देखें, राइटर हु हैड द प्रोनाउंस द मोस्ट प्रोनाउंस इफेक्ट ऑन कीट्स. देखो, जॉन कीट्स जो था अपनी 25 साल जिंदगी में उसने इतना क्रिएटिव प्रोडक्टिव वर्क लिखा था, पोम्स लिखे थे कि दुनिया के सारे क्रिटिक्स हैरान रह गए कि एक पेशेंट जो टीबी का पेशेंट है वो कैसे नेगेटिव कैपेबिलिटी को यूज करते हुए यूनिवर्सल पोएम लिखता है और एलिमेंट्स एनिमल से बात करता है, बर्ड से बात करता है और उसने बहुत इवन ग्रीक सिविलाइजेशन को इसने अच्छे तरीके से पढ़ के अपने पोएट्री में रिफ्लेक्ट किया हुआ है. तो बेसिकली इसके ऊपर तो वैसे कीट्स के ऊपर तो बहुत सारे राइटर्स के इम्पैक्ट्स थे, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट वाइडली इंफ्लुएंस्ड इंफ्लुएंसिंग लिटरेरी फिगर ऑन कीट्स वॉज शेक्सपियर. तो ये शेक्सपियर था.
ठीक करेक्ट आंसर। ऑगस्टन एज स्टार्ट होती है अर्ली 18th century में। आपको पहले भी बताया था कि ऑगस्टन एज जो है इट इज बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम द रोमन किंग जो ऑगस्टस था, ठीक है, अगस्त, उसके अंदर जो विर्जिल था और बाकी जो रोमन जो राइटर्स थे उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लासिकल कलेक्शंस, लिटरेरी कलेक्शंस लिखी थी। द सिमिलर टाइप ऑफ वर्क वाज पब्लिश्ड इन अर्ली 18th century। सो इन दैट रेनेसेंस, इन दैट रिजेम्बलेंस, द अर्ली 18th century इज डब्ड एज एन ऑगस्टन एज। ठीक है, अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि नेगेटिव कैपेबिलिटी टू किड्स क्या मतलब है। क्वेश्चन ये था नेगेटिव कैपेबिलिटीज कीट्स के बारे में क्या मतलब था, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और विक्टर यूनेज में यानरा कौन सी सबसे ज्यादा काम, किस यानरा पे सबसे ज्यादा काम हुआ था, आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर। थैंक यू।